एक और अनुग्रहित दिन परमेश्वर ने दान में दिया, उसका धन्यवाद हो। इस पवित्र दिन में भजन 3 का 5वें वाक्य की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएं। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। पढ़े हुए वचन के आधार पर संभालने वाला हाथ विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। प्रियो, यह भजन सुबह उठकर पढ़ने और मन को दिलासा देने वाला एक भजन है। इसका कारण, रात की नींद से उठने वाला भक्त आने वाले दिन को स्वीकार करने से पहले पिछली रात को जो परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और नींद से जगाने में पूरी रात हमें अपने हाथों में थामे रखा, वो सुरक्षा वो अनुभव करता है। दाऊद के संबंध में यदि कहें तो उन पर उपद्रव और उनका धैर्य खत्म होने वाली अवस्था में उनका बेटा अबशालोम अपनी विरोधी अवस्था में बहुत ही निराशा और भय के साथ रात में सोने गया। किसी मनुष्य द्वारा सह सकने की सीमा के परे दाऊद को कष्ट, निराशा, दुख सहना पड़ा, यह भजन बताता है। अलग अलग कारणों से चिल्लाहट के साथ जीवन जीने की एक अवस्था भी दाऊद की। लेकिन मेरे प्रिय श्रोता, ध्यान से सुनना, इस प्रकार के जीवन के अनुभव में परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का हाथ उन्होंने अनुभव किया। वो हाथ उन्हें उठाता है, उन्हें बचाता है। कई लोग कई बातें बोलेंगे, बोलने दो। यहाँ दाऊद के लिए लिखा है कि उसे परमेश्वर की ओर से उद्धार नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर के भक्त को जीवन से समझ सकता है कि कभी भी कोई भी जब उद्धार बिना होता है तो संभालने वाला हाथ ही हमें बचाता है। प्रियो, नए पुराने नियम की विशेषता यह है कि परमेश्वर यहोवा उद्धार देने वाला परमेश्वर है। अपने जीवन के दुर्गम समय में वो परमेश्वर उस संभालने वाले हाथ को प्रकट करता है और हमें उस अवस्था से बचा लेता है। वो दुर्घटना से बचाता है। सबसे बड़ा परमेश्वर का कार्य उद्धार के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हुआ। जब हम पाप में पड़े थे तब परमेश्वर ने हमें उठाया, हमें थामा। कीच में से परमेश्वर ने हमें अपना हाथ बढ़ा कर उठाया। प्रियो, क्या तुम एक अलग अवस्था से गुजर रहे हो? परमेश्वर पर विश्वास करो, अविश्वास ना करें। जहां मनुष्य के हाथ विलुप्त हो जाते हैं, हम हार जाएंगे, ऐसी अवस्था में परमेश्वर का हाथ और करुणा वहां उजागर होगी। निश्चित रूप से उद्धार अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त होगा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, अलग अलग परीक्षाओं में हमारा मन विचलित ना होने पाए, दृढ़ मन के साथ आप पर आश्रित हो, दैविक हाथ और वो करुणा हम अनुभव कर पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।